अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम नबिया है और आज मैं आपको बताने आई हूँ कुछ खास। तो नाज़रीन, ये है कराची का आज का वेदर और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कराची की सड़कों की कुछ खास बातें। सबसे पहले तो मैंने जल्दी जल्दी अपने ऑफिस से छुट्टी ली और बैठी एक चिंची में। तो वेलकम बैक करते हैं इस मिनी व्लॉग में, जिसमें मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कराची का प्यारा वेदर और कराची की खूबसूरत तरीन सड़कें, जो कि बारिश आने के बाद और भी खूबसूरत हो जाती हैं। तो जनाब, ये है शाह फैसल एक स्ट्रीट, जहाँ पे बारिश और गटर का पानी मिक्सअप है, जिसको लोग इंजॉय करते हुए अपने घर और डेट को जा रहे हैं। पानी को रिस्टोर करवाने के लिए टैंकर बुलाया है, जो बाद में मिनरल के नाम पे आपको और मुझे बुलाया जाएगा डोम में। यहाँ से शुरू होती है शाह फैसल की फेमस शमा मार्केट। कस्टमर ने आना नहीं है, लेकिन इन्होंने शॉप खोल के बैठना है, क्योंकि ताड़ ताड़ के इनको एक्सरा निकालना है। और यहाँ पे पार्टी के बहुत सारे झंडे लगे हुए थे। आई नो आप अंधे नहीं है, बाय द वे आप वोट किसको देंगे? हाँ तो जानी मैं बता, ओप सॉरी, हाँ तो नाजरीन मैं आपको बताते चलूँ कि शाह फैसल पे एक बहुत बड़ा पुल बनाया जा रहा है, जो कि हाईवे से डायरेक्ट कहीं ना कहीं टच होगा। आई डोंट नो अबाउट दैट कि किधर टच होगा, मेरी नॉलेज में था तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूँ। अगर आपको थैंक यू बोलना हो तो आप मेरे कॉमेंट सेक्शन में आके थैंक यू बोल सकते हैं। इतना लंबा सफ़र इख्तियार करने के बाद मेरी हालत हो चुकी थी टाइट। और नाजरीन, ये थी कराची की प्यारी सी ग्रीनरी विद कचरा और उसमें दो तीन लौटते हुए कुत्ते। बारिश के बाद फ्रूट्स खाने का एक अपना ही मज़ा होता है, क्योंकि बारिश के पानी से धुलने के बाद ये मज़ीद मीठे और मज़ेदार लगते हैं। इतना हसीन वेदर होने के बाद एक प्यारी सी डेट तो बनती है, वो भी एक बाइक राइड के साथ, लेकिन बता कौन रहा है जो खुद एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में। इस वेदर में जब बंदा डेट पर निकलता है तो वो रॉन्ग राइट लेफ्ट राइट सब भूल जाता है इस बाइक की तरह। इसी वेदर में हमें हमारी सड़कें बताती हैं कि हमें कितनी इंसानों की तरह गाड़ी चलानी है, वरना कब कौन कहाँ से कट मार जाए हमें पता ही नहीं लगता। वो लोग शुक्र मनाएं जिनको जॉब पे नहीं जाना पड़ता, सुबह सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ता और इतनी ख्वारी नहीं उठानी पड़ती। रहे फिर मेरे जैसे रिस्पॉन्सिबल लोग, जिनको सुबह उठना पड़ता है जल्दी और शॉप ओपन करने के लिए भागे भागे इस बारिश में भी जाना पड़ता है। इतने सारे पैसेंजर्स ले जाते हुए कॉल रिसीव ना करें, भले आपकी गर्लफ्रेंड आखिरी सांसें ही क्यों ना ले रही हो। यहाँ मैंने निकाली अपनी मेहनत की कमाई, क्योंकि इतने लंबे सफ़र का मुझे 100 रुपये पे करना था। और फिर यहाँ से शुरू होता है मेरा प्यारा सा खूबसूरत सा एरिया कड़ंगी, जो बारिश आने के बाद मज़ीद खूबसूरत और हसीन हो गया है। यहाँ आपको हर किस्म के गटर नाले कीचड़ खड्डे सब देखने को मिलेंगे। और यहाँ तो दरियाए सिंध बना हुआ है। और यहाँ से स्टार्ट हो जाती है हमारी संडे मार्केट मंडी, जहाँ पे आपको सारा ओल्ड सामान और काम का सामान मिल जाएगा। बारिश आए, तूफान आए, आंधी आए, लेकिन ये मंडी लगी हुई आपको हमेशा नजर आएगी। इतनी कीचड़ में इसका 5 का सिक्का खो गया था और ये बेचारा कुछ ना कर सका। यहाँ से मैंने करवाया अपना घर जाने का ऑटो। इतना हसीन नज़ारा करने के बाद मुझे लगा कि शायद मैं कहीं गलत जगह आ गई हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं बिल्कुल अपने घर वाले रास्ते पर ही हूँ। सबसे उधमदार नज़ारा तो ये था मेरे लिए। फाइनली इतना लंबा सफर तय करने के बाद मैं अपनी गली में आ गई हूँ। भरपूर कीचड़ में मेरी खूबसूरत चप्पल का बेड़ा गर्क होते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा था। फिर एकदम मेरी नज़र पड़ी सामने। जब आपके घर के बराबर में ही इतना बड़ा समंदर हो तो सीवे जाने की क्या जरूरत। फिर मैंने खोला अपने घर का दरवाजा और स्लोली स्लोली फिर मैं ऊपर चढ़ती गई। तो ये था गाइज मेरे आज का मिनी व्लॉग, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। मजीद मिनी व्लॉग के लिए आपने मुझे करना है लाइक सब्सक्राइब शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।